हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चन सभी व्यक्तियों को हरा देता है, जिसके बाद चन वान के बीच से लड़ता है और चन अपनी पावर का यूज करके उस बीच को भी हरा देता है, जहां पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर चन उस बीस्ट के खून को भी एक बोतल के अंदर डाल देता है और युआन से कहने लग जाता है, तुम इस मॉन्स्टर की बॉडी और ब्लड को ले जा सकते हो। जहां पर युआन इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चन को इसे अपने पास ही रखने के लिए कहता है। इतना कहकर युआन अपने मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर यहां से चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों को यहां से जाता हुआ दिखाया जाता है। फिर वहां पर ग्रैंडपा चन के पास आकर उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं, अगली बार मैं तुम्हें एक नई तकनीक सिखाऊंगा। वहां चन इस बात को सुनकर ग्रैंडपा को शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं स्ट्रोंग बन सकूं और यही मेरा काम है। जहां पर ग्रैंडपा इस बात को सुनकर इन सभी लोगों से कहते हैं, चन ने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है और क्विंग्यून यंग फैमिली का अगला प्रधान बनेगा और ये सेरेमनी 3 दिन बाद होगी। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और चन की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अभी ही पांगलिन एकेडमी वापिस चले जाना चाहिए। इतना कहकर लोग जल्दी ही वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ ग्रैंडपा चन को उसका प्राइज देते हैं, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ चन को कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। फिर चन अपने कल्टीवेशन को खत्म करके अपने मन में कह रहा होता है, कल मेरे फादर की सेरेमनी है और उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो घरों के ऊपर से जा रहा होता है। वहाँ चन को उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद चन जल्दी से उस व्यक्ति का पीछा करने लग जाता है। वहाँ चन भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वो व्यक्ति पक्का किसी चीज को ढूंढ रहा होगा। फिर अगले ही सीन में हमें चन के फादर का कमरा दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति जैसे ही चन के फादर के पास आता है तो तभी वहाँ पर चन के फादर उठ जाते हैं और इस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं, तुम कौन हो। लेकिन तभी वहाँ पर ये व्यक्ति चन के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चन के फादर बेहोश हो जाते हैं। फिर ये व्यक्ति चन के मदर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चन अपनी ताओसोल की पावर का यूज करके इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है और उस व्यक्ति से पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। वहाँ ये व्यक्ति चन को यहाँ पर आता हुआ देखकर जल्दी से इस जगह से भाग जाता है। फिर वहाँ चन मदर के पास आकर उनसे पूछता है, क्या आप ठीक हो। जहाँ पर मदर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर चन की मदर जल्दी से चन के फादर को देखने लग जाती है। वहाँ चन अपने फादर को उड़ता हुआ ना देखकर जल्दी से उन्हें चेक करने लग जाता है। जहाँ पर मदर चन से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक हैं। जिस पर चन कहता है, उनका एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उनका कुछ पार्ट जहर की वजह से भी खराब हो चुका है और इनकी हालत बहुत ही खराब है। जिसके बाद चन अपने मन में कहने लग जाता है, मैं अपने फादर को कैसे बचाऊंगा। फिर चन फादर को उठाकर उन्हें अपनी पावर से चेक करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो चन से पूछने लग जाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यहाँ पर एक असैसन ने अटैक किया है, वो व्यक्ति बहुत ही तेज था इसलिए मैंने उसे खो दिया और क्विंग्यून को क्या हुआ है। फिर हमें और व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो उस असैसन को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा से पूछ रहे होते हैं, इतनी रात को क्या जरूरी काम पड़ गया है। वहाँ ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, क्योंकि इनके साथ क्या हुआ है। जिस वचन कहता है, फादर के ऊपर हमला और उन्हें जहर दिया गया है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या क्विंग्यून को बचाया जा सकता।
सकता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस हमले के पीछे आप हैं क्या? जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति चन से कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं क्यूंगिन को क्यों मारूंगा? वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है, मुझे विश्वास है कि ये बात सच ना हो, और एक बार मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूं तो उसे इसी की कीमत चुकानी होगी। तो ये बूढ़ा व्यक्ति चन से कहता है, हमें डराओ मत, हमने ऐसा काम कभी भी नहीं किया है, तुम जैसा चाहो इसकी जांच कर सकते हो। जिसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति ग्रैंडपा से कहता है, अब क्यूंगिन तो बीमार है, तो मुझे लगता है हमें सरमिनी को आगे कर देना चाहिए। फिर ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कुंगाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर ये दोनों व्यक्ति यहाँ से कहते हुए चले जाते हैं। हमें यहाँ पर और सेना चाहिए होगी, क्योंकि उसका अगला टारगेट कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। जिसके बाद चन ग्रैंडपा से कहता है, इन दोनों व्यक्तियों ने ही कुछ न कुछ किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे फादर को चीफ बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ताकि मेरे फादर प्रधान न बन सके। फिर चन थर्ड ग्रैंड अंकल से कहता है, आप इन दोनों पर नजर रखें, अगर ये किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं तो सुरक्षा को ज्यादा कर देना। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं, हमारा परिवार जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमें चन को अपने फादर को चेक करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है, मैं बस यहाँ पर कुछ नॉर्मल मेडिसिन ही ढूंढ पाया हूँ, और इस बुक के अंदर उस जहर के बारे में कुछ भी नहीं है जो फादर को दिया गया है। इतना कहकर चन अपने तरीके से फादर को ठीक करने लग जाता है। वहाँ चन फादर के खून को लेकर उस जहर को चेक करने लग जाता है, और फिर उसे इस जहर के बारे में पता लग जाता है। जिसके बाद चन अपने मन में कहता है, ये जहर सीधा टाउसोल के ऊपर अटैक करता है, पर ये किसी व्यक्ति को नहीं मारता है, लेकिन बस ये व्यक्ति को पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद चन अपने मन में सोचता है, मुझे फादर को जल्दी से बचाना होगा, और मुझे ये खतरा लेना होगा। इतना कहकर चन अपने फादर के खून को पीने लग जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी दवा बना सके। तभी वहाँ पर चन की मदर आ जाती है, और वो चन से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर चन कहता है, मदर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फादर को बचाऊंगा। जहाँ पर मदर इस बात को सुनकर चन को गले से लगा लेती है, और उससे कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है, मदर मैं और एक्सिन हमेशा आपके साथ रहेंगे, और ये परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।